बस बस एक ही बात ध्यान रखना का, ये जब से तुम काम शुरू करोगे तब की बात है, सब्जी में थोड़ा तेल हाथ रोक के चलाना है। बस यही तो नहीं पसंद है साहब, हम लोग तेल कम खाते हैं। हाँ, थोड़ा हाथ रोक के चलाना, हम लोग तेल थोड़ा कम खाते हैं। साहब जी यही तो पसंद नहीं है ना मुझे कि कोई मेरे काम में दखल दे, ऐसे करो वैसे करो, मुझे जैसे भी करना होगा ना मैं कर लूंगा। हेलो होते, उसका नाम चंचल होता है। बाबू जी साहब तो हमारे छोरा का नाम चंचल होना चाहिए, चंचल का नहीं रखा। नहीं ये तो नहीं, इस हिसाब से तो सारा का नाम चंचल होना चाहिए था। मुझे ना बचपन से ही खीर खाना बहुत पसंद है। अच्छा तो जिसको बचपन से खीर खाना पसंद है उसका नाम चंचल होता है। साहब जी कर रही हो बात पूरी करने देता नहीं, सुनने देता है नहीं, बस बीच में कचर पचर। हाँ एक्चुअली ये यहाँ पे आपको आना चाहिए। तू चुप कर, तू चुप कर, एक्चुअली अब अपन बात पूरी करने देता नहीं, बोलने देता नहीं बीच में। हाँ बता दी तुम्हारे मैसेज से, तुम बता रही थी आधी कहानी आगे बोल लो, सुन के बीच में बड़ी इशारा कर रहा है। बता रही थी अपनी कहानी का भाग पहला, चंचल नाम कैसे पड़ा। तू उसकी इतनी इंट्री है कहा क्यों ना इसका नाम चंचल रख दिया जाए, इतनी चंचल जो है। अभी सर ये कह दो तुम्हारा कढ़ाई तो मैं उतारने जा रही थी ना। क्यों साहब जी जा रही थी ना मैं, अब तो मेरे नेल पेंट भी सूख गए हैं। मेरे नेल पेंट भी सूख गए हैं और कढ़ाई मैं ही उतारने जा रही थी। साहब जी आप इतने अच्छे हैं, आपके बेटे ऐसे क्यों हैं? हाँ अमावस का दोष, अगर ऐसे चलता रहा ना। नहीं इसको कट्टू आपका, अरे आएगा बाबा आएगा, कट्टू आएगा काम। हाँ क्या छोड़ किसको, काम को। अरे अरे ऐसे ये लोग तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, आज से कुछ नहीं बोलेंगे, समझे। हाँ तुमको जो बोलना, ये तेल के मामले में थोड़ा हाथ संभाल के ना, हम लोग तेल कम खाते। नहीं 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 अभी ये तुमको जो करना है जैसे बना ना वैसे करो पप्पू बंटी। अरे पहले काम तो करें, बोलेंगे तो बाद में। अरे ये दोनों तुमसे कुछ नहीं है, बस हम कह रहे हैं पप्पू बंटी जा रही थी ना करने। हाँ बोलो बस एक ही बात ध्यान रखना का, ये जब से तुम काम शुरू करोगे तब की बात है, सब्जी में थोड़ा तेल हाथ रोक के चलाना है। बस यही तो नहीं पसंद है साहब, हम लोग तेल कम खाते हैं। हाँ थोड़ा हाथ रोक के चलाना, हम लोग तेल थोड़ा कम खाते हैं। साहब जी यही तो पसंद नहीं है ना मुझे कि कोई मेरे काम में दखल दे, ऐसे करो वैसे करो, मुझे जैसे भी करना होगा ना मैं कर लूंगा। हेलो हम लोग कर रहे हैं ना, आराम कर रहे हैं ना। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप लोग जाइए यहाँ से। बाजी आप लेके जाइए, तुम लोग निकलो। तो पप्पू बंटी सर निकल गए, आप लोग जाइए यहाँ से। और ये जो जे वाला कैमरा है राइट पॉइंट का, यस सर, ओके हेलो जी एंड कैमरा का गलती से नहीं थे कैमरा, न्यूज वालों आ गया था। रोल अच्छा रोलिंग एक्शन। अरे चंचल बेटा ये जीरा बाद में डाले क्या, अभी कितना। अरे क्या हुआ साहब जी आपके चक्कर में, देखो ना मेरा नेल पेंट खराब हो गया। ओहो पप्पू जी
भिंडी थोड़ा छोटा छोटा काटिए ना, ताकि ढंग से पक जाए। आप खुद ही देख लो, मेरा नेल पेंट अभी तक सूखा नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देती। करके दिखा देते? सर, सर, मेरा नेल पेंट अभी तक सूखा भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देती। करके दिखा देती का मतलब? ये सब तुम्हारा ही काम है ना, इसीलिए तुमको लाया नहीं यहाँ पर, तुम ही ने करोगी, आसान करोगी का? नहीं, नहीं, एक लाइन मेरा था, करके दिखा देती भिंडी कैसे काटी जाती, सूखा भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देती भिंडी कैसे काटी जाती है। कैसे काटी जाती है? करके दिखा देती बाबूजी, इसको यही सब करने के लिए लाया है ना? हां, नेल पॉलिश सुखा रही अपनी साहब जी। अरे बस आज आज की तकलीफ भर है, और कल से तो ये खुद ही करेगी बेचारी। बेचारी? ये बेचारी हो गई? एक बात बताओ चंचल, तुम्हारा नाम क्या? ए माने तुम्हारा नाम कैसे पड़ा चंचल? बड़ा सठिया गए साहब जी, बड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाने बैठू ना तो रात हो जाएगी। अच्छा तो आधी सुना दो। इनका आधा भी पूरा से कम नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं, कुछ भिंडी काट रहा। क्या है ना साहब जी, मैं अपने पिताजी की पांचवी संतान थी। अच्छा तो जो अपने अपने पिताजी की पांचवी संतान हूँ। अच्छा तो जो जिसकी पिताजी की पांचवी संतान होता है उसका नाम चंचल पड़ जाता है। ना ना पप्पू जी, मुझसे बड़े दो और बड़े भाई हैं। हाँ तो जिसके दो बड़े भाई होते हैं उसका नाम चंचल पड़ जाता है। बाबूजी इस हिसाब से तो सारा का नाम चंचल होना चाहिए था। बचपन से खीर खाना बहुत पसंद है। अच्छा तो जिसको बचपन से खीर खाना पसंद होता है उसका नाम चंचल पड़ जाता है, आपको पता नहीं था? चुप रहेगा? चुप ही है। बीच बीच में टुकुर 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 रोक टोक एक्सप्रेस, अपनी बात पूरी कर रहे थे उसको। तो तुम क्या बता रही थी कि तुम तुम्हारा नाम क्या? फिर जाके मेरे दादाजी ने कहा क्यों ना इसका नाम चंचल रख दिया जाए, इतनी चंचल जो थी। लो कर दिया ना गाना, बस अब मैं कैसे करूंगी काम? इतनी देर से तुम ही कर रही हो काम, दिखाई नहीं दे रहा सारा सब्जी काम काटे, तुम ही कर रही हो काम। काम इतनी देर से कुछ, इतनी देर से तुम कर रही हो काम, है सारा का सारा सब्जी हम काटे कर रही हो तुम काम? तो करने वाली थी ना, अभी मैं सब्जी जाके उतारती कढ़ाई से। साहब जी करने वाली थी ना मैं। साहब जी आप इतने अच्छे हो, आपके बेटे ऐसे क्यों हैं? हाँ मावस बेटा, अगर ऐसे चलता रहा ना मैं छोड़ दूंगी। कहाँ छोड़ दोगी तुम? किसको छोड़ दोगी? काम को। अरे नहीं 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 छोड़ दूंगी किसको? काम काम पता नहीं है उसके बाद नहीं बाबा, ये दोनों तुम्हारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ये हम कह रहे हैं। पप्पू बंटी, पप्पू तुम इनके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, समझे ना? दखलंदाजी तो तब करेंगे जब ही काम करेगी वही तो। हाँ हाँ तो करने वाली थी ना साहब जी, करने वाली थी ना मैं। हाँ साहब जी हाँ, करने वाली थी ना मैं। हाँ हाँ, बस खाली एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब तुम खाना बनाना शुरू करोगे तब की बात है, तेल जरा हाथ रोक के इस्तेमाल करना, क्योंकि हम लोग तेल थोड़ा कम खाते हैं। साहब जी मुझे यही नहीं पसंद है कि मेरे काम में कोई दखल दे, ऐसे करो वैसे करो, मुझे जैसे भी करना होगा ना मैं कर लूंगी। क्या है क्या लाइन? अपना काम में सच होगी कोई ये ना कहे ऐसे कर रहा है, बोल बोल बेटा, रोने तो लाइन बोल, एक्शन। साहब जी मुझे यही नहीं पसंद है कि मेरे काम में कोई दखल दे, ऐसे काम करो वैसे काम करो, मुझे जैसे भी काम करना होगा ना मैं कर लूंगी। तुम्हें जैसे भी काम करना होगा वैसे कर लोगी, इतनी देर से तुम ही कह रही हो कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, आराम से कर रही हो कि ऐसे करो वैसे करो। चलिए चलो 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 काट लेना, काट के भिंडी हम देख लेंगे हमारे। चलो 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 बस, ठीक है बेटा सब चलेंगे। हमारे घर में बाई आई है और अम्मा को बाइयों से सख्त नफरत है, ये बात बाबूजी जानते हैं, लेकिन हम मर्दों को घर पे साफ सफाई और खाना वाना बनाने में थोड़ी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे सब बेशरम है और एक बंटी अकेला रह जाता है जो सब काम करता है। तो बाबूजी ये दिमाग में रखते हुए एक बाई को ले आए हैं घर पे, तो थोड़ा घर पे बवाल हुआ पड़ा है, अम्मा अम्मा देख लेती हैं कि घर पे बाई कहाँ से आ गई, फिर किचन में हम सब मर्द बाई के साथ घुस जाते हैं और बाई खड़े होकर नेल पॉलिश लगा रही होती है और हम सब काम कर रहे होते हैं।
तो ये थोड़ा फनी सा ट्रैक शूट करें। ये जो बंटवारा हुआ है उसका रीजन क्या? बंटवारे का रीजन पता नहीं है, अम्मा और बाबूजी में हीटेड आर्गुमेंट हो गई थी। सोरा का बीच में एक ट्रैक था जहाँ वो पार्टी करके लेट नाइट घर पे आ रही होती है और बाबूजी पकड़ लेते हैं और बहुत बड़ा बवाल होता है। तो तब बाबूजी और अम्मा का थोड़ा आर्गुमेंट हुआ था, तो अम्मा ने बोला आप मर्द हमेशा सही नहीं हो सकते, हम औरतें भी सही होती हैं। इस चीज़ में टशन हो गया, तो उन्होंने बोला आप सब इस तरफ रहेंगे, हम इस तरफ रहेंगे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। तो एक आंगन में एक बीच में लाइन काटी हुई है, किचन भी डिवाइडेड है, हॉल भी डिवाइडेड है, बेडरूम भी डिवाइडेड है। तो बंटवारा तो हो चुका है, तो अभी बंटवारा होने के अंदर भी क्या चल रहा है किचन में? हम जैसे हम देख रहे हैं किचन में अलग खाना बना रहे, जेंट्स अलग खाना बना रहे, लेडीज अलग बना रहे, तो उसके बारे में क्या बता? कुछ नहीं, बस सब अलग अलग बना रहे हैं, सबका अपना अपना हिस्सा है। किचन में भी आधा हिस्सा है, आधा राशन उस तरफ आधा राशन इस तरफ, तो मजा आ रहा है। और दादी हमारी जज बनी हुई हैं, तो वो हमारा खाना वाना चख के हमें पॉइंट देती हैं। घर पे एक पॉइंट बोर्ड है, तो अब जैसे हम भाई लाए हैं तो हमने दिमाग का काम किया तो हमें 5 पॉइंट मिले, तो ऐसे थोड़ा एक फनी सा ट्रैक चल रहा है शो में। तो अभी खाने में आज क्या बन रहा है? खाने में पता नहीं, आज पप्पू भैया भिंडी काटते हुए देखे थे मुझे और बाबू जी कुछ तल रहे थे गैस पे, तो पता नहीं भिंडी बन रही है आज खाने में, जली हुई बनेगी शायद। आप क्या बनाने वाले आज खाने में? नहीं, बंटी बाहर जा रहा है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ये सब बोलने में, मुझे कुछ आता ही नहीं बनाना। एक सीन में मुझे प्याज दे दिया था काटने के लिए, इतने आंसू निकले आंखों से, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला भाई अब रियल लाइफ में भी खाना बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खाने का शौकीन हूँ, खाना नहीं बनाता। अब अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस को ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको शो पसंद आ रहा है, तो देखते रहिए हमारा शो और बढ़ावा दीजिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। आगे हमें कुछ वैलेंटाइन सीक्वेंस कुछ देखने मिलेगा? देखिए अब तक मुझे पता नहीं चला है ऐसा कुछ सीक्वेंस होने वाला है या नहीं, सुनने में जरूर आया है बट अब तक कुछ खबर नहीं है, अगर होगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा। अगर होगा तो भी आप प्रत्युषा को कैसे प्रपोज करोगे? पता नहीं यार, मैं बहुत सैड हूँ ये सब मामले में। प्रपोज अब क्या करना है, घर पे शादी हो गई इधर, अब क्या प्रपोज करना? प्रपोज अब क्या रहा, जब शादी नहीं होती ना, ऑलरेडी मैरिड है बंटी सागर का, तो अब क्या प्रपोज करेगा? शादी तो हो गई है, तो अभी वैलेंटाइन के लिए कुछ उनको गिफ्ट देना है या कुछ बोलना है तो क्या बोलेगा? वैलेंटाइन के लिए सागरिका को बंटी यही कहना चाहेगा कि बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहा कीजिए, क्योंकि बाकी सब फिक्र झेलने के लिए हम हैं ना, तो ये। थैंक यू।